नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आज खबर वन इंडिया ने वार्ड 27 का दौरा किया तो वहां लोगों ने कहा कि कांग्रेस की ही जीत होगी और उन्होंने प्रत्याशी रेनू नेहरू पर अपना विश्वास दिलाते हुए कहा कि इन्होंने राजनीति में आने से पहले भी बहुत सारे काम करवाए हैं। कोरोना महामारी के समय भी हमारी काफ़ी समस्याएं हल की हैं, ये पहले से ही समाज सेवी रहे हैं, इनका जीतना सुनिश्चित है। रेनू नेहरू ने कहा कि हमने पहले भी बहुत सारे काम करवाए हैं, हमारा नाम नहीं काम बोलता है। हमारे वार्ड 27 में सीवरेज की समस्या है और हम एक साल में वह कर दिखाएंगे जो किसी पार्टी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों से हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम पार्षद बनते ही लोगों के काम करवाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जीरकपुर के वार्ड नंबर 27 में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी रेनू नेहरू इस टाइम चुनावी प्रचार में मैदान में उतरी हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं रेनू नेहरू यहां पे। मैम, कैसा आपका समर्थन जा रहा है? जैसे आप चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस तरह का समर्थन आपको लोगों से मिल रहा है? मैम, बहुत बढ़िया मिल रहा है। वो कांग्रेस को वोट नहीं, वो हमारे फेस को वोट डाल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आपने मैम यहाँ पे बहुत काम किया है, पवन नेहरू जी ने इतने काम किए हैं यहाँ पर कि उनकी कोई गिनती नहीं है। और सच में हमें खुद याद नहीं है कि हमने कितने काम किए हैं। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? मैम, जो ये किसान के लिए क्या है, ये देखो, अब पहले ये अकाली वाले और ये बीजेपी वाले ही इकट्ठे थे, अब वो अलग अलग हो गया है। वो इसी कारण अलग हुए हैं कि उनको पता था कि ये जो बादल जी ने साइन किए फॉर्म पे, उसके बाद ही ये बेचारे कांग्रेसों के साथ, उनके अपना किसानों के साथ बहुत गलत हुआ है। तो इसी वजह से इन्होंने, अकाली वालों ने साइड हो गए, अब अलग हो गए हैं। वो बहुत गलत किया इन्होंने किसानों के लिए। मैं किसानों भाइयों के साथ हूँ और हमेशा उनके साथ दूँगी। आपको क्या लगता है कितने दिन तक ये आंदोलन और जा सकता है? जिस तरह से उन्हें वहाँ बैठे 2-2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, क्या लगता है आपको कितने दिन और ये आंदोलन जा सकता है? मैम, ये जब तक हमारी कांग्रेस पूरे इंडिया के अंदर नहीं आती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब भाई बहनों से यही प्रार्थना करूँगी कि इस बार कांग्रेस को आगे लाओ और तभी सब कुछ होगा। अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या आपके अहम मुद्दे रहने वाले हैं? मैम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीवरेज की है। आपने देखा है, यहाँ सामने सोसाइटी है, मार्केट है, वहाँ पर कितना बुरा हाल है। वहाँ आए दिन ये प्रॉब्लम आती है और हर घर घर में यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने सीवरेज के ही काम करवाने हैं, उसके बाद जो जैसे जैसे काम शुरू होंगे हम करते रहेंगे। इन्होंने 20 सालों में कोई काम नहीं किया। मैम, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक साल के अंदर ये शिवालिक बिहार का गंध सारा साफ करके दिखाऊंगी। मैं तो हमेशा ही पब्लिक के साथ जुड़ा हूँ, पब्लिक के लिए बिना कौंसलर के, बिना किसी पावर के काम करते आ रहे हैं। सारी पब्लिक को पता है, इसमें हमें कोई वोट मांगने की ज़रूरत नहीं किसी से, क्योंकि सबको पता है अभी पवन नेहरू हर छोटे बड़े बुजुर्ग भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी राय यही है जी, पवन जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे इन्होंने वो काम किए जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। इन्होंने हर घर तक की राशन और जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको सही है, और आज भी फ्री इलाज भी करवाते हैं, मेडिसिन वगैरह सारा सब फ्री दिलाते हैं। और आने वाले टाइम में भी अगर विजयी, वैसे तो हैं ही विजयी क्योंकि जनता इनके साथ है, तो विजयी होंगे। और आने वाले टाइम में विजय होने के बाद में ये बहुत जल्दी शिवालिक व्यवहार का नक्शा चेंज करने वाले हैं। आप पार्टी देख के वोट दे रहे हैं या फिर इनके कामों को? इनके कामों को देख के वोट दे रहे हैं, और इन्होंने पहले भी काम किया और आगे भी आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे काम करें। जी, महिला प्रत्याशी यहाँ पे साथ हैं। कुछ क्या नाम है आपका? जी, महिला प्रत्याशी रू जी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अच्छे इंसान कोई है ही नहीं, सिर्फ जीरकपुर में नहीं, पूरे इंडिया में, क्योंकि इन्होंने उस समय काम करे जब कोरोना काल में सबको ज़रूरत थी और ये बढ़ चढ़ कर आगे आए। इन्होंने बिना एमसी बने भी एमसी वाले काम करके दिखाया। आज हमारा जब मौका आया
तो हम इनको एमसी की कुर्सी पर देखना ही चाहेंगे। कौन से ऐसे कार्य किए इनके साथ, कौन से ऐसे कार्य किए नेहरू जी ने, इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, फिर उसके आगे पीछे कोरोना से पहले इन्होंने कुछ काम यहाँ किए, कोरोना से पहले भी मैडम काम करते रहे हैं, इन्होंने देश अपना सारा जीवन अपने देश के लिए कर रखा है, और इनका देश सबसे पहले अपना जीरकपुर है, और इन्होंने अपने जीरकपुर में हर काम करे हैं, सीवर की लाइनों में मैडम कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे वो स्ट्रीट वेकर है, कुछ भी छोटे जितने भी काम गिरे ना इनके लिए उतने ही कम है। आप इनके कामों को देख के इनको अप्रिशिएट कर रहे हो या फिर पार्टी को देख के वोट? नहीं मैडम, पार्टी को देख रहे हैं, अगर पवन नेहरू जी बीजेपी में होते किसी पार्टी में भी होते हम पवन नेहरू जी के साथ हैं। बस मैम यही है कि बस इनको हम देखना चाहेंगे एमसी के रूम में, तो रेनू मैडम को, क्योंकि बहुत अच्छी लेडीज हैं ये, और मतलब इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, रोड बनवाने, स्पीड ब्रेकर लगवाने, ठीक है, यहाँ पे जो सीवरेज की प्रॉब्लम करके कोई अच्छी लड़ाई झगड़ा भी होता है उसको भी सॉल्व करते हैं, यानी कि सभी इनकी बात मानते हैं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रेनू नेहरू वार्ड नंबर 27 से, जिन्होंने यहाँ से अपनी जीत का दावा किया है। जरकपुर से अंकिता शर्मा।